प्रिय बंधु, मैं जोगेंद्र प्रसाद सिंह, प्राचार्य सह आशुलिपि अनुदेशक, आदर्श कमर्शियल इंस्टीट्यूट सिवान। मैं अपने पूर्व के 12वें वीडियो में सवृत्त चैप्टर आपको समाप्त किया था। अब इसमें बड़े वृत्त का प्रयोग पढ़ेंगे। ये भी वृत्त चैप्टर का ही है और ये बड़ा वृत्त एक साथ दो स्वध्वनि को उत्पन्न करेगा। आरंभ में बड़ा वृत्त स्व साउंड उत्पन्न करता है, दो ठो रूल है मात्र इसमें। तो आप देख लीजिए, पहला ये सब वृत्त की भांति ही लगेगा। बड़ा वृत्त किसी भी स्ट्रोक में आरंभ में, मध्य में और अंत में लगता है और ये आप सब वृत्त को आप पहले पढ़े हैं जिसमें दंते स तालावे स मूर्धन्य स ज के लिए वृत्त लगता था। और ये बड़ा वृत्त आरंभ में, यहाँ लिख दे रहे हैं, आरंभ में एक बड़ा वृत्त स्व स्वध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कि लिखना है स्वेज, तो स्व अज एज लिखना है। मान लीजिए स्वामी, तो लिखेंगे स्व म, तो स्व का आ मी का ई, स्वामी। उसी प्रकार से लिखना है स्वर, तो लिखेंगे स्व र, डाउनवर्ड र में स्व। यानी एक बड़ा वृत्त आरंभ में अगर लगता है तो ये स्व साउंड उत्पन्न करेगा। दूसरा है कि मध्य में तथा अंत में बड़ा वृत्त एक साथ दो स्वध्वनि उत्पन्न करता है। इस दो स्वध्वनि में दंते से भी हो सकता है, तालावे से हो सकता है, मूर्धन्य से हो सकता है, या दोनों तालावे से हो सकता है। मैंने दो साउंड केवल स्व का होना चाहिए। तो ये मध्य और अंत में दो स्वध्वनि को उत्पन्न करेगा। और भावेल की जहाँ तक चर्चा है तो इसमें अगर द्वितीय स्थान का भावेल आता है तो उसको हम साइलेंट कर देते हैं और तृतीय स्थान का भावेल जो होगा वह वृत्त के अंदर, बड़े वृत्त के अंदर लगाते हैं। एग्जाम्पल पर हम आपको बता देते हैं, जैसे ये होगा राक्षस। हम सब वृत्त चैप्टर में आपको बता चुके हैं कि छ का निर्माण, छ इज इक्वल टू क प्लस तालावे श है, ठीक ना? तो हम ऐसे ही लिखेंगे रा क आ श, एक ये हुआ इसका स और एक दंते स, दोनों मिलकर के बड़ा हो जाएगा। तो ये राक्षस ऐसे लिखाएगा। उसी को लिखना है कोशिश, कोशिश, तो ये को क व्यंजन लिखेंगे और स स दोनों के लिए बड़ा वृत्त लगाएंगे। और पहला पर अगर तृतीय स्थान का स्वर रहेगा तो उस स्वर को हम मध्य में, इसके बीच में लगाएंगे, को का ओ यहाँ लगेगा, कोशिश। यानी पहला पर अगर तृतीय का स्वर हो तो उसको बीच में लिखना है। एग्जाम्पल एक और देखिए, जैसे जासूस, तो लिखना है ज लाइन के ऊपर अश श के लिए वृत्त, तो जा का आ तो यहाँ लग गया, सु का ऊ जो है पहला पर तृतीय स्थान का भवेल है ऊ, तो यहाँ लगेगा वृत्त के अंदर। इसी प्रकार से अब और लिखना है, जैसे विशेष, तो वी अशेष, वी का ई लाइन काट करके बी लिख दिए हैं और शेष यानी द्वितीय स्थान का जो ए भावेल है इसको साइलेंट रखेंगे, इसको लिए हम भावेल नहीं देंगे। हमने बताया था कि इस बड़े वृत्त में मात्र दो ही रूल है
और इसी दो रूल के बाद ये बड़ा वृत्त समाप्त हो जाता है, और ये बड़ा वृत्त भी आपको गति क्षमता में मदद करता है। दो ही रूल के अंतर्गत आप सब बड़े वृत्त का यानी दो स्वध्वनि का या स्व का साउंड केवल उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें कुछ शब्दाक्षर चैप्टर में दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए बुक से, जैसे बुक में दिया हुआ है शब्दाक्षर स्व, बड़ा वृत्त आरंभ में लगा है तो ये स्व होता है, तो ये स्वागत यानी ग के नोटेशन से बना हुआ है, ठीक। स्व लगा करके एक बड़ा वृत्त लगा करके ग जोड़ दिया गया है, स्वागत। स्व ल में लग गया है तो स्वालंबी, म में लग गया है तो ये हो गया है स्वयं, न में बड़ा वृत्त लग गया है अंत में तो निष्पक्ष, और लाइन पर अगर इसको लिख देते हैं तो निष्कर्ष। ये लाइन के ऊपर है निष्पक्ष के लिए, और निष्कर्ष के लिए लाइन पर हम लिखेंगे। इसी प्रकार से इसी से संक्षिप्ताक्षर बना है, जैसे स्वयं है स्वयं हो गया, आ एव है व लग गया है तो स्वयं मेव, स्वयं सेवक तो स्वयं स का जोड़कर स्वयं सेवक, स्वागताध्यक्ष का नोटेशन है स्वागत, और इसमें त लग करके और ई भवल दे दिए हैं, स्वागती हो गया। इसी प्रकार से अवशोषनाक उदाहरण स्वरूप निष्पक्षता यानी संक्षिप्ताक्षर अशब्दाक्षर आपको प्रैक्टिस करनी है, वाक्यांश भी प्रैक्टिस करके इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। बस इस वीडियो में मात्र इतना ही, चूँकि चैप्टर समाप्त है, इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा लूप, हम अगले वीडियो में आपको लूप को बताएंगे। बस तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, देख लीजिए, ठीक है, थैंक्स।